वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट पर बहुत सारे प्रोडक्ट करेंटली अनअवेलेबल दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो वहाँ पर क्या दिक्कत रहती है, मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्ट आपको करेंटली अनअवेलेबल या नॉट डिलीवरेबल तो आपको दिखाते हैं, तो इसमें क्या इशू रहता है और कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। करेंटली अनअवेलेबल का मीन्स यहाँ पर ये होता है कि अभी ये जो समय चल रहा है इस पर जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है जो आपको सेंड करता है उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं रहता है जो वो आपको सेंड कर सके। तो उस सिचुएशन में उसके पास एक फीचर होता है यहाँ पर करेंटली अनअवेलेबल वाला, ठीक है। और नॉट डिलीवरेबल का मतलब ये होता है कि उसके पास या तो बंदा प्रोडक्ट है लेकिन उसके पास डिलीवरी के लिए मतलब डिस्ट्रीब्यूटर छुट्टी पर या किसी भी जगह पर चला गया हो या उस सिचुएशन में सिलेक्ट कर सकता है, इसका मीनिंग हो सकता है। बट आप अलग अलग कंडीशन पे भी ये जो है प्रोडक्ट पर दिखा देता है। आप करेंटली अनअवेलेबल आपको एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर दिखा देता है, तो ये जब होता है जब बहुत बड़ी सेल चली हुई होती है और चलते चलते यहाँ पर उनके प्रोडक्ट बहुत सारे ख़त्म हो जाते हैं तो करेंटली अनअवेलेबल वो शो करने लग जाता है, तो ये भी होता है। बाकी आप जो है अपने प्रोडक्टों को ज़्यादा कैंसिल वगैरह मत करिए, उन्हों की वजह से भी ये इशू आ जाता है कभी कभी। एंड आप जो है अपने फ्लिपकार्ट को अपडेट भी कर लीजिए, मैं यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाता हूँ और इसको अपडेट कर लीजिएगा, इससे कि अगर आपका जो है एकदम करेंटली अनअवेलेबल हो गए तो वो शो कर जाएंगे। तो ये करना है बस आपको, फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी ये सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।